Then why do you come? सिर्फ इल्हाम पीछे ले गए. वो बोल रहा है, एक बार बोल रहा है कि मैं कर लूंगा, और एक बार बोल रहा है कि अभी नहीं कर लूंगा. एसीसी करना है उसे, पर अभी नहीं करना. इस साल वो डिले कर रहा है क्योंकि इसकी जॉब जो है इसको इतनी देर तक लीव नहीं देंगे. सर एक्चुअली हम ऐसा दोनों यूनाइटेड नेशन के मोबाइल ऑपरेटर से, तो इसकी जॉब अभी इसकी बुला रहे हैं. मार्च को ये भेजते जा रहे हैं. मार्च में ये तकरीबन कुछ 3 महीने के लिए आउट ऑफ डिले है, तो इसलिए ये बोल रहे हैं कि अगर मैं अभी इतना पढ़ भी लूँ तो एक बार में एग्जाम ना दे पाऊँ तो इसका क्या पड़ेगा. तो इसलिए ये अभी करना भी चाहता है और नहीं भी कर सकता. अच्छा, क्योंकि मैं तभी ना, मैं अगर कोई सीरियस ना हो तो मुझे कोई पढ़ाने में इंटरेस्ट नहीं आता. मेरे को पॉइंट है सारे इसको इसी में सीरियस सीरियस है, पर अभी टाइम नहीं है इसकी. अच्छा, मतलब यू वांट टू डू ना, ऐसा तो नहीं है ना कि यू जस्ट वांट टू स्किप इट. सर सर टाइम का प्रॉब्लम है अभी. हां, टाइम वांट टू होगे तुम्हारे अंदर तो है ना कि करते हैं. मतलब मेरा रीजन है पूछने का कि जो मैं पढ़ाऊंगा एटलीस्ट वो समझने की कोशिश करो, क्योंकि जब अंदर से होता है कि नहीं पढ़ना तो वो होता है बच्चा सुनता नहीं. सर वो मुझसे ज्यादा पढ़ता है और मुझे भी ठीक है. चलो रुको, तुम राइट मत करते, दिखा अच्छा सबसे खराब कर चलो ठीक है. नहीं फिर किसी ने लिखना होगा, लिख नहीं पाएगा. चलो ठीक है, लेट्स स्टार्ट. यहां लाइट थोड़ी छोटी वाली लगवा दो पहले ना. अगर किसी को लाइट चाहिए तो बता दो, मैं चला रहा हूं. चलो ठीक है, लेट्स स्टार्ट. तो हमारा चैप्टर है गाइस, चैप्टर नंबर 17, दैट इज लीडरशिप मैनेजमेंट. 18 सॉरी, दैट इज लीडरशिप मैनेजमेंट एंड सुपरविजन. सो ये चैप्टर है हमारा कि जो मैनेजमेंट होती है कंपनी की, मैनेजमेंट में देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ लीडर्स, डिफरेंट टाइप ऑफ सुपरविजन and different type of management. So basically what we have to study is के supervision क्या होता है, leadership क्या होती है, इनके types क्या होते हैं and management के types क्या होते हैं. ठीक है, so let's start with this chapter. First topic of this chapter is leadership. So what is leadership या एक leader कौन होता है? A leader is a person जिसको लोग follow करें and who has the ability to lead the team. अगर एक टीम में एक लीडर है, that means उस टीम के कहते हैं ना कि अल्टीमेट फैसला वही लेगा और जो ये करेगा सारे वो फॉलो करेंगे. तो लीडर इज अ पर्सन, लीडरशिप इज एन इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस डायरेक्टेड टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ गोल्स और ऑब्जेक्टिव. लीडरशिप इज देयरफॉर अ कॉन्शियस एक्टिविटी एंड इज कंसर्न्ड विद सेटिंग गोल्स एंड देन इंस्पायरिंग पीपल टू अचीव देम. जैसे कंपनी के जो ओनर्स होते हैं, कई बार क्या होता है वो स्टेज पे आके कुछ बहुत तगड़ी स्पीच देते हैं, तो वो स्पीच देने से क्या होता है, जितने भी इंप्लॉय होते हैं वो बड़े मोटिवेट होते हैं कि हाँ हम करेंगे. जैसे मैंने आके स्पीच दी कि हम इस साल इतना टारगेट अचीव करेंगे. जैसे तुमने अंबानी के बेटे की वो देखी थी स्पीच, जब उसने कहा था कि एक टाइम ऐसा आएगा कि हर घर में जियो होगा. सो वो जो स्पीच होती है दैट इज अ लीडरशिप स्पीच, जिससे लोग इंस्पायर. सो दैट इज कॉल्ड अ लीडरशिप. सुपर लोग मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? Management is the effective use and coordination of business resources in order to achieve the objective with maximum efficiency. Means management क्या होती है? How you manage things? चीजों को किस तरह manage करना ताकि तुम्हारे wastage भी ना हो and तुम्हारे सारे goals achieve हो. जैसे तुम्हारे को मैंने budget दिया, 500 रुपए का budget है और 10 बंदों ने खाना खाना. I gave you a budget of 500 rupees. I gave you 500 rupees. Buy something जो 10 के 10 बंदे खा ले. अब सोचो तुम 500 रुपए का एक पिज्जा ले, उसे क्या पेन बढ़ेगा किसी का? तुम 500 रुपए में कोई 5-star रेस्टोरेंट से कोई 500 रुपए की सब्जी ले, उसे क्या पेन बढ़ेगा? एक गुड मैनेजर क्या होगा, 500 में पेट भी भरना सबका, वो क्या करेगा? और सबको वैरायटी भी चाहिए, वो क्या करेगा? जो ये 20-20 रुपए वाले मोमोज होते हैं, 6 प्लेट मोमोज ले लेगा, मोमोज भी आ गए. उसके बाद चल एक दो चाप ले लेते, 100 रुपए की एक चाप आ गई, 2 चाप ले ली, तो 320 रुपए में चाप आ गए, मोमोज आ गए. बाकी का वो क्या करेगा? जो पैसे बचे, जो सस्ते ढाबे से दाल मिलती है 60-70 रुपए की, जैसे यहाँ पे पीछे वो दाल वाला होता है जो मैंने बताया, वहां पे 40-50 रुपए की दाल मिल जाती है, 3 दाल ले लेगा और 2-2 रुपए की रोटी होती है, 10 रोटियां ले लेगा. तो पेट भी भर गया सबका, सबको वैरायटी भी मिलगी एंड चीजें मैनेज भी होगी. दिस इज कॉल्ड मैनेजमेंट. सो मैनेजमेंट इज द इफेक्टिव यूज एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ बिजनेस रिसोर्सेज in order to achieve the objective in a maximum efficiency. Managers have an overall aim of ensuring that everything that needs to be done within the organization
इज डन ऑन टाइम, मतलब इफेक्टिवली ऑन टाइम का होना चाहिए एंड टू एन एप्रोप्रिएट स्टैंडर्ड. एप्रोप्रिएट स्टैंडर्ड मींस ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, के रिसोर्सेज भी वेस्ट नहीं होने चाहिए. दे आर यूजुअली गिवन अथॉरिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन which will enable them to ensure that staff follow their instructions as we, and we will examine this in more detail shortly. Basically, kya hoga, unko ek authority mil di hai ki jo bhi staff hoga wo tumhe follow karega, to tum decisions lo, you have to take decision. So this is called management. Ab the point is, kisi ko agar main authority de raha hu, iska matlab ye nahi hai ki wo leader ban gaya. Agar usko cheeze manage nahi karni aa rahi ya log usko idol nahi mante, that means he cannot be a leader. So the point is, know that a manager is not necessarily a leader. A manager will only be a leader if she or he is able to influence the people to achieve the goal of the organization without relying on the formal authority. मतलब मेरे पास authority है कि तुमसे काम कराना है. अगर तो मैं तुम्हें डांट के काम करा रहा हूँ, भाई मैं तुम्हारा सीनियर हूँ, चुप बैठ के काम करो, that is not leadership. लेकिन अगर मैं टीम में बैठ के, मीटिंग में बैठ के एक बार सबको बता रहा हूं कि गाइस हमें ये काम परसों तक करना है, जैसे वैसे करके करते हैं और परसों के बाद घूमने चलेंगे, और काम हो गया देखो हमें ये काम मिलेगा, नया काम मिलेगा, हमारी ग्रोथ होगी, पूरी टीम की ग्रोथ होगी. सो दिस इज काम कराने का तरीका. सो अगर मैं तुम्हारे माइंड को इन्फ्लुएंस कर पाया अपना पोजीशन छोड़ के, मैं पोजीशन पे फोकस नहीं कर रहा लेकिन मैं तुम्हें इन्फ्लुएंस कर पा रहा हूं, सो दैट इज अ लीडर. क्लियर गाइस? कोई डाउट किसी को? चलो अब आगे वैसे पढ़ लेते हैं. इलस्ट्रेशन, डिफरेंस बिटवीन लीडर एंड मैनेजर्स. अ मैनेजर एडमिनिस्टर्स एंड अ लीडर इनोवेट. मैनेजर क्या करता है? वो सिर्फ काम देखता और करवाता है. लीडर जो होता है वो नए तरीके तक सोचता है कि ऐसे काम कर सकते हैं. अब सोचो तुम्हारा कोई एक बंदा है सीनियर, उसने तुम्हें बोला ये काम ऐसे करो, ये काम ऐसे करो, ये काम ऐसे करो, ये काम ऐसे करो, दैट इज अ मैनेजर. लेकिन अगर उसने बोला कि यार देखो एक नया तरीका आया, ये बड़ा सही है काम करने का तरीका, एक बार सारे देखो क्या सही है, सबने बोला हाँ सर तो बड़ा सही मेथड है या बड़ा सही मेथड निकाल दिया आपने, दैट मींस ही इनोवेट्स. वो नए नए तरीके निकालता है ताकि काम और अच्छे से. उसके बाद आएगा द मैनेजर रिलाइज ऑन कंट्रोल, लीडर इंस्पायर ट्रस्ट. मैनेजर कंट्रोल करता है टीम को, अपनी पावर का यूज करता है, लेकिन लीडर उनको इंस्पायर करता है कि वो ऑटोमेटिकली उसको फॉलो करे. थर्ड, अ मैनेजर हैज हिज आई ऑन द बॉटम लाइन. लीडर्स लुक एट द फ्यूचर. मैनेजर को क्या होता है? ये काम मिला है मेरे को, तो ये काम खत्म करना है बस अभी. लीडर का क्या होता है? ये काम खत्म करो ताकि आगे देखें हम क्या क्या कर सकते हैं, आगे हमें और ऊपर जाना है, और ऊपर जाना है सर. दैट इज लीडरशिप. क्लियर? तुम लिख पा रही हो पक्का वाला राइट डाउन करो? सही नंबर है आपको? मैं सीरियसली लोगों को नहीं समझ सकता. ठीक है गाइस, मेरे को भी लग रहा है कि किसी को कुछ प्रॉब्लम है, अगर है तो मुझे बता दो. किसको है? कोई ढूंढा रहा नहीं है. ठीक है देखो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, आई एम कंप्लीटली फाइन, बस मैं यही चाह रहा कि किसी की भी आप मुझे चेंज पड़ेगा लिखते हुए कुछ प्रॉब्लम ना. ठीक है चलो, अब इसके बाद आता है गाइस सुपरविजन. अब हमने मैनेजमेंट देख ली क्या होता है, हमने लीडरशिप देख ली क्या होता है, सुपरविजन क्या होता है? जो सिर्फ ये देख रहा है कि बंदे काम सही से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, वो सुपरवाइज कर रहा है कि काम सही कर रहे हैं नहीं कर रहे, इसको और अच्छे से करो, दैट इज सुपरविजन. सो सुपरवाइजर इज अ पर्सन गिवन रिस्पांसिबिलिटी ऑफ प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग द वर्क ऑफ ग्रुप ऑफ एम्प्लॉइज. दे आर रिस्पांसिबल फॉर एंश्योरिंग दैट स्पेसिफाइड टास्क आर परफॉर्म करेक्टली एंड एफिशिएंटली बाय द ग्रुप. जिस तरह से उनको काम दिया गया है वो उसी तरह से काम कर रहे हैं, दैट इज सुपरविजन. Supervisors are therefore the lowest level of management and act as interface between management and workforce. So basically kya hota hai, if this is management, ye management hai, management ek banda rakhegi, that will be a supervisor, aur jitne bhi employees kaam kar rahe hain management khud hi inse baat karegi, management isse baat karegi ki kaam ka kya bana. So he is a supervisor, तो सबका काम देखता है, कल को कुछ भी प्रॉब्लम हुई then he will be in problem. That is supervision. Supervisor work, supervisors work in the front line of the organization. This means that they have several key functions. वो पहले, they are responsible for the work, not these people. So that's why, अब इनकी क्या क्या functions होते हैं? पहला, this means that they have several key functions. As well as supervision,
they will also undertake technical and operational work alongside the group to oversee. वो एक तो काम देखेंगे उनका, प्लस वो खुद भी कुछ काम करेंगे, उनको खुद भी कुछ काम करना होता है. उसके बाद सुपरवाइजर्स विल टिपिकली बी एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड एडवाइस एंड सपोर्ट टू देयर टीम इन ऑर्डर टू हेल्प सॉल्विंग प्रॉब्लम्स. अगर टीम में किसी बंदे को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो सुपरवाइजर विल हेल्प देम कि ये चीज ऐसे सॉल्व है, ये चीज ऐसे करो, दे विल सॉल्व द प्रॉब्लम. वरना सुपरवाइजर ही क्या हुआ, इसको खुद काम किया. तीसरा, दे विल यूजुअली मॉनिटर वर्क by means of detailed daily information. Supervisor will often then have periodically summarized the information and pass on to senior management. ये पूरे हफ्ते का काम सारे इनवॉइस से करवाएंगे, करवाने के बाद एक रिपोर्ट बनाएंगे and वो रिपोर्ट अपने सीनियर को देंगे कि ये काम ऐसे कंप्लीट हो. हमारा नींद आ रही है तब ठीक है, मैं तो आपके बंद कर रहा हूँ बार बार से. अच्छा ठीक है. So test understanding one. This is the question. Let's see who gives the answer. वैसे तो आंसर लिखा ही है, चलो पर वो आंसर गलत था, मैंने खुद ही गलत कर दिया. बताओ सर, कौन सी क्लास की बच्ची लग रही है? ये बीच में आ रहा है तो ये रहा नहीं, आंसर पढ़ ले तो वैसे भी तो आ वहां से पढ़ा नहीं जा बैग चला रहे. रीजन ये है सर कि जो गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज जॉनसन का है ना, वो सर चेंजिंग द साइज ऑफ पर्चेसिंग लिमिट्स, परचेज लिमिट्स तो वो सेट करेगी ना जो मैनेजर्स करेंगे ना. नहीं मैनेजर्स क्यों सर, परचेज लिमिट तो जिस हिसाब से प्रोडक्शन हो रही है उसी हिसाब से होगी ना सेट, तो वो सुपरवाइजर थोड़ी करेगा. चलो देखते हैं. सुपरवाइजर तो सिर्फ कंट्रोल करता है ना चीजों को. जैसे जैसे सुपरवाइजर विद इन द परचेजिंग डिपार्टमेंट ऑफ लार्ज कंपनी, हिज टीम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रेजिंग परचेज ऑर्डर ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ अ कंपनी प्रोडक्ट्स. द डिपार्टमेंट हैज बीन सेट अ लिमिट एज हाउ मच रॉ मटेरियल दे आर अलाउड टू परचेज इन अ वीक. विच आर विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी वन ऑफ द जैसन्स नॉर्मल फंक्शन एज अ सुपरवाइजर. Raising purchase order for raw material, ये तो उसका काम ही है, उसकी पूरी टीम का है, responsible for this. Reporting the total value of purchase to senior management, ये भी बताएगा. Dealing with queries from team, ये भी करेगा. So odd one out से तो हमारा kind of fourth ही बनता है. Manager का काम है. अब real इसमें क्या है, limit को हम set करते हैं. Manager. The department has set a limit, यानी senior management ने already limit set किया हुआ है कितना purchase करना है. और अगर वो लिमिट चेंज करनी है, सुपरवाइजर लिमिट थोड़ी चेंज करेगा. सुपरवाइजर तो जो लिमिट मिले उसके अकॉर्डिंग परचेज करेगा. ये काम है मैनेजमेंट का टू चेंज दी लिमिट. सो आंसर इज डी. सर मैंने उसने एग्जाम दे दिया, किसने नहीं मैंने करा दिया उसको सिलेबस, बट अभी मुझे लग नहीं रहा वो एग्जाम देगी. शी इज नॉट प्रिपेयर्ड. मैंने टेस्ट भी उसके लिए टेस्ट भी उसका अच्छा नहीं हुआ, मतलब वो थोड़ा सा शी इज टेकिंग पढ़ाई उसका कॉलेज भी है ना, तो वो कॉलेज को ज्यादा प्रेफरेंस दे रही है, वो चीज ही कम दे रही है. तो उस दिन यही हुआ था, मैंने आई टू का टेस्ट एंड उसमें स्कोर काफी कम था उसका. F1 का जो टेस्ट था मिनिमम, जैसे पहले भी मैं टेस्ट दिया हुआ है, आउट ऑफ 56 20-25 तो आई का रह सकते, उसके पता नहीं 3 या 4 है. मतलब वो पढ़ी वो कॉलेज को ज्यादा प्रेफरेंस दे रही है, तो मैंने उस पर टेस्ट दिया था, तो मैंने कहा मैं ऐसे तो बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी, सो घर पे पढ़ो, जब हो जाए कन्फर्म. एंड मैंने उसको घर के लिए जो याद है वो ऐप दी है, सबको जो कौन सा जो तेरे को भी दी थी, जो मेरे फोन से करा देते वो जो वो एप्पल के लिए सेम ऐप है, उसमें भी सेम क्वेश्चन है. तो मैंने उसको वो ऐप दी है कि एटलीस्ट वो ऐप करो एंड ट्राई टू गेट मिनिमम 70%, तब जाके फिर यहाँ पे टेस्ट लेंगे. बट इस हिसाब से तो मिसिंग समथिंग. चलो एनीवेज गाइस,
आगे बढ़ते हैं। अब आता है मैनेजीरियल अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब मैनेजीरियल अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? अब दो चीजें हमारी होती है, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं उसका तुम्हें मतलब बता रहा हूं। जैसे ये एक बंदा है, दिस इज ओनर, ठीक है। ओनर ने एक बंदे को बोला कि टोटल सेल इस साल 1 crore की होनी चाहिए, कि टोटल सेल इस साल 1 crore की होनी चाहिए, जैसे मर्जी करके। ये ओनर ने इसको बोला, जैसे मर्जी करके 1 crore की हमें सेल्स करनी है। That means he has given him the authority कि he can do anything he want, लेकिन सेल्स 1 crore की होनी चाहिए। साथ ही this is called authority। उसने उसको बोला कि total से 1 crore की होनी चाहिए, that is authority। के उसने authority उसको दे दी कि जैसे मर्जी कर, लेकिन सेल्स 1 crore की होनी चाहिए। इसके बाद इसे साथ ही एक लाइन बोल दी कि अगर 1 crore की सेल अचीव नहीं हुई तो तू जिम्मेदार होगा, कि अगर सेल अचीव नहीं हुई then he will be responsible। That means अब वो उसको अथॉरिटी के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे रहा है कि एक तो मैं तेरे को अथॉरिटी दे रहा हूं कि I'm giving you full authority to do the work, but on the other side you are also responsible कि अगर वो काम नहीं हुआ। So point is, जो ये point अभी बताया गया, ये तुमने पढ़ा होगा, अच्छे से बता दो सबको। There should be a mix of authority and responsibility। ऐसा नहीं हो सकता कि हम authority ज़्यादा दे दें और responsibility कम दें, तब वो authority का गलत फायदा उठाएगा। अगर ऐसा भी नहीं है कि authority कम दे responsibility ज़्यादा दे दें, तो उस पर बहुत overburden आ जाएगा, क्या मेरे को authority तो मिली नहीं है और काम भी खत्म करना, मैं कैसे काम खत्म करूं। So there should be a proper mix of authority and responsibility। So authority क्या होती है, एक बार हम पढ़ते हैं। Managers have the authority to ensure that staff follow their instructions. Authority refers to relationship between participants within the organization, कि कौन senior है, कौन junior, किसके पास कितनी authority है। There are several definitions, but सबसे best में एक बंदा था Fiol, उसने दी है। Authority is the right to give orders and power to exact obedience. कि राइट टू गिव ऑर्डर्स एंड द पावर टू एग्जैक्ट ऑबीडियंस, कि जैसा मैं काम बोल रहा हूं वैसा करो, दैट इज अथॉरिटी। एंड ये डेफिनेशन दी है फ्योल, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, अथॉरिटी इज द राइट टू डू समथिंग और आस्क समथिंग एल्स टू डू समथिंग, आस्क समवन एल्स टू डू समथिंग एंड एक्सपेक्ट इट टू बी डन। तो किसी को सिर्फ एक काम बोलना कि मुझे काम तुझसे जैसे मर्जी करके कराना है, दैट इज अथॉरिटी। अब आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, पॉसिबिलिटी इज द लायबिलिटी ऑफ द पर्सन, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द लायबिलिटी ऑफ द पर्सन टू बी कॉल्ड टू अकाउंट फॉर हिज हर एक्शन। मतलब अब अगर वो काम नहीं हुआ या कुछ गलत करा तो तुम्हारी जिम्मेदारी होगी, दैट इज कॉल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इफ इट एक्सप्रेसेस द ऑब्लिगेशन अ पर्सन हैज टू फुलफिल इन अ गिवन टास्क, a person is said to be responsible for a piece of work when he she is required to ensure that the work is done। hum tere authority de rahe jaise marzi kaam kara aur agar kaam nahi hua then you are responsible, teri zimmedari hai। this simply means responsibility। authority can be delegated, mere ko unhone bola ki kaam karo, maine apne junior ko bola ki main tere ko de raha hu authority ye kaam kar। authority can be delegated, responsibility cannot be delegated। सीनियर मैनेजमेंट ने अगर मुझे बोला है, लेट्स से एग्जांपल देखो, सीनियर मैनेजमेंट ने एम को बोला दैट यू हैव टू डू दिस वर्क, इसने अपनी टीम रखी, टीम में सबको सबको अलग अलग काम दे दिया और अथॉरिटीज दे दी। अगर मान लो ये वाला बंदा, ये दो बंदे हस्बैंड वाइफ हो गए या इन्होंने शादी कर ली, अभी लड़का लड़की थे, दोनों ने शादी कर ली और 2 महीने के लिए घूमने चले गए, दैट मींस सब काम एम पर हो जाएगा। अब जब सीनियर मैनेजमेंट इसको बुलाएगा कि काम हुआ कि नहीं हुआ, ये बोलेगा कि सर सारा नहीं हो पाया, एक्चुअली प्रॉब्लम ये आ गई थी कि वो दोनों ने शादी कर ली और वो दोनों हनीमून पे चले गए 2 महीने के लिए। अब उस केस में मैनेजमेंट इसको इसको बोलेगी या उन दोनों को बोलेगी, उसको बोलेगी, इसको बोलेगी,
क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी थी, अगर नहीं हुआ तो भैया तू किसी और से करवाता, तू खुद करता, बंदे हायर करता, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी की होगी। दैट मींस ये नहीं बोल सकता कि देखो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, आपने मेरे को काम दिया, मैंने जिम्मेदारी उनको दे दी, अब उन्होंने काम नहीं किया तो उनको पकड़ो आप, ये चीज वो नहीं बोल सकता। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड, अथॉरिटी कैन बी डेलीगेटेड। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर टू करो, बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज करेक्ट। पहली दो पढ़ो फिर आगे बता दो। सिर्फ पहली वाला सही है क्योंकि अथॉरिटी तो डेलीगेट हो नहीं सकती। अथॉरिटी हो सकती है, पहली गलत है, अथॉरिटी कैन बी डेलीगेटेड, रिस्पॉन्सिबिलिटी कांट। सेकंड सेकंड थिंग सर अथॉरिटी कैसे, सपोज मतलब कि अगर हमको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है तो हम वो किसी और को बोल करवा सकते हैं, उसको अथॉरिटी दे सकते हैं कि ये काम होना चाहिए। सर सीईओ ये भी करें, मुझे समझ नहीं आता, लेकिन मैं तुम्हें बताओ आप मुझे बस इतना एक्सप्लेन करो कि अथॉरिटी कैसे डेलीगेट हो सकती है, कैसे डेलीगेट हो सकती है। मैंने तुम्हें बोला कि ये प्रिंट आउट निकाल दे, तुमने उसको बोल दिया प्रिंट आउट निकाल दे। हां तो मैं वही मैं आपको बोल रही थी ना, सपोज मुझे कोई रिस्पांसिबिलिटी मिली है, मुझे कोई काम करके अथॉरिटी मिली है कि जैसे मर्जी करना है, जैसे मर्जी करना है, मैंने वो काम किसी और के, फिर तू जैसे मर्जी करेगा तो अथॉरिटी दे। बट सर उसके लिए मैं तो रिस्पांसिबल तो मैं ही हुई ना, वही तो बात है, रिस्पांसिबिलिटी तुम्हारी रही, रिस्पांसिबिलिटी भी तुम उस पे बांट सकती कि तुम उसको पकड़ना, अथॉरिटी दे सकते। ठीक है चलो एक सेकंड रह गया, थोड़ा सा हैंग हो गया, क्योंकि वो टॉप सेक्रेटरी हो सकता है। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि वो रिस्पांसिबिलिटी होगी ना।
अगर मैं कह रहा हूं मैं तुम्हें काम दे रहा हूं, आई एम गिविंग यू वर्क, दैट मींस मैं पूरी अथॉरिटी तुम्हें दे रहा हूं, तुम किसी और को काम नहीं दोगे, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम ही कर रहे काम, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे ऊपर ही आ गई ना, इनडायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, अथॉरिटी होता है कि मैं राइट दे रहा हूं तुम्हें कि काम जैसे मर्जी करो, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा, तुम्हें अगर काम नहीं हुआ देन यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, लेकिन अगर मैं साथ ही रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे रहा हूं कि तुम ये काम आगे नहीं दे सकते, तुम्हें ही काम करना है, दैट इज आई एम गिविंग यू रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है? ऑब्लिगेशन का मतलब होता है कि हम जिम्मेदार हैं, अब अथॉरिटी इज द ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन एज अ होल, कि हम जिम्मेदार हैं कि हमें वो काम करना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबिल क्या हो गया नीति क्या कहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द राइट टू डू समथिंग because of your position within the organization, that is authority. ये position की वजह से तुम काम कर रहे हो, that is तुम्हारे पास authority है. Responsibility cannot be delegated to subordinates. This statement is right. क्योंकि responsibility तुम्हारे ऊपर ही रहेगी, so answer is D. Clear guys? चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट से. अब आता है power. अब ये 12 से अलग है. अब आता है power. Power क्या होता है? Try not to get confused between authority and power. Authority is the right to do something, while power is the ability to do something. Right? Authority मतलब मैंने तुम्हें authority दी है काम कराना है। Power मतलब कि तुम्हारे पास power है कि तुम वो काम करा सकते हो। You are the topmost person of this company. You have the power कि तुम वो काम करा सकते हो। मैं छोटा बंदा हूँ, तो मेरे पास power नहीं हो सकता authority हो, लेकिन मेरे पास power नहीं है उस चीज की। मेरे को किसी और ने authority दी हुई है। I don't have the power. So power is different, authority is different. For example, a manager may have the authority or the right to ask some of his team. क्या हो गया? क्यों बात चल रही है? तुमको बता दूँ बात? नहीं, सिर्फ अचानक से. A manager has the authority or the right to ask someone of his team to undertake a certain task. उसने एक अथॉरिटी है कि वो किसी भी बंदे से पूछ सकता है कि तू क्या काम कर रहा है. However, the team member could simply refuse. वो simply मना कर सकता है. क्यों? क्योंकि उस बंदे के पास power नहीं है. जैसे class monitor होता था स्कूलों में. School class monitor ने तुमसे पूछा कि homework क्यों नहीं हुआ? तुम क्या बोलोगे? भाई मैं teacher को बता दूँगा. तू रहने दे. ऐसे होता है ना? कि class में 10 बच्चों में अगर 100 बच्चों में एक monitor है, वो पूछता है हाँ भी homework हुआ कि नहीं हुआ? तेरे को नहीं बताते क्या कर रहे हैं? वो अलग बात है, तुम्हारी complaint करेगा, लेकिन उसके पास power नहीं है तुमसे पूछने की. अथॉरिटी मिली हुई है उसको, उसको पूछना है, लेकिन पावर नहीं है. लेकिन अगर सीधा क्लास टीचर आके बोले कि होमवर्क हुआ कि नहीं हुआ, तुम्हें बताना पड़ेगा, बिकॉज दे हैव दी पावर. सो हाउएवर द टीम मेंबर कुड सिंपली रिफ्यूज. पावर इज व्हाट एनेबल द मैनेजर टू एंश्योर दैट हिज टीम मेंबर विल कंप्लाई हिज रिक्वेस्ट. जैसे अब मैंने उस क्लास जो वो था मॉनिटर था, मैंने उसको पावर दे दी. अथॉरिटी तो है कि तू पूछ सकता है, पावर दे दी कि अगर कोई तेरे को जवाब ना दे उसको क्लास से बाहर निकाल दे. तेरी पर पूरी पावर है कि अगर उस बच्चा कोई बच्चा तेरे को ऐसे बोले उसको बाहर निकाल दे. वो अलग बात है, बाहर पिटाई वगैरह हो जाएगी मिल गए, बट स्टिल अगर ऐसा हुआ तो ऑब्वियसली क्या होगा? वो बच्चा उसको बोलेगा होमवर्क हुआ है कि नहीं हुआ. स्टूडेंट ने बोला कि मैं उसको बता दूं बाहर निकल. वो बोलेगा तू कौन होता है कहने वाला? भाई टीचर ने पावर दी है मेरे को कि मैं बाहर निकाल सकता हूं, अब निकल ले. सर यहां पे पावर मतलब ये है या फिर उसके बाद वो पावर होनी चाहिए कि वो काम करवा सके. अब जैसे मैं हूँ, सोचो मैं हूँ, यहाँ पे ये पावर वो यूज कर रहे हैं कि करवा सके या खुद कर सके. बेसिकली कोई और नहीं, वो राइट है अंदर से कोई कैपेबिलिटी नहीं होनी चाहिए इनके अंदर. अंदर का उससे कोई लिंक नहीं. नहीं, अगर बंदा सीनियर मैनेजर है तो वो तो कैपेबल है ही है ना. जो टीचर है, एक टीचर है, एक क्लास मॉनिटर है, सो टीचर आर कैपेबल. टीचर तो कैपेबल है ही है, तो उनके पास पावर है. सो पावर आते ही कैपेबिलिटी से. पावर कम विद कैपेबिलिटी. अथॉरिटी डजंट कम विद कैपेबिलिटी. अथॉरिटी हो सकती है वो सीनियर का बंदा किसी जूनियर बंदे को पावर दे, अथॉरिटी दे. सो दैट इज पावर. ठीक है, सो ये होती है पावर. जैसे एग्जांपल देता हूं, गॉड ने तुम्हें अथॉरिटी दी. गॉड ने तुम्हें अथॉरिटी दी, एग्जांपल कि पूरी दुनिया तुम चलाओ, जैसे मर्जी चलाओ, तुम चलाओ, दैट इज अथॉरिटी. ठीक है, साथ में पावर भी दी है
कि अगर तुम चलाओ अथॉरिटी तुम चलाओ पूरी दुनिया, मैं तुम्हें शक्ति एक और दे रहा हूँ कि अगर कोई गलती करे तो उसको ऐसे करके ठीक कर सकते हो, ऐसे करोगे तो वो ठीक हो जाएगा। दैट इज पावर, गॉड ने तुम्हें पावर भी दे दी। सेम वे क्लास मॉनिटर को टीचर ने बोला कि सबके होमवर्क तुमने चेक करने, ठीक है, वो चेक करने आया सबने ऐसे भगा दिया उसको, वो क्या करेगा मैथ टू मैथ तुमसे कंप्लेन कर देगा, उसको नहीं कर सकता, बाहर निकाल नहीं सकता क्योंकि पावर नहीं है उसके पास। लेकिन अगर टीचर ने बोल दिया कि मैं तेरे को पावर भी दे रही हूँ कि अगर कोई बच्चा होमवर्क नहीं करके आया या बहस करे उसको बाहर निकाल दियो, दैट इज पावर, ठीक है। सो अ फ्रेंच एंड रैवन इन आइडेंटिफाइड फाइव टाइप ऑफ सोर्सेस ऑफ पावर, कि पावर आती कैसे है, अगर एक बंदे के पास पावर है तो पावर आती कहां से है? तो सबसे पहला है रिवॉर्ड पावर। सो रिवॉर्ड पावर क्या होती है? दिस अकर्स when one person is able to reward the other person for carrying out their orders and meeting the requirement, for example, some managers may be able to pay rises to the subordinate, जैसे मैंने तुमको बोला कि तुम काम एक्स्ट्रा करो, मेरे को अथॉरिटी मिली है कि जैसे मर्जी काम करो, मैंने तुम सबको बोला कि ये काम करना है, जैसे मर्जी करके करो, करना है करना, तुम्हें काम करना है, दैट इज अथॉरिटी है। लेकिन मेरे पास पावर भी है कि अगर किसी ने काम नहीं किया तो मैं उसकी सैलरी भी काट सकता हूं, और अगर किसी ने ज्यादा काम किया तो उसकी सैलरी बढ़ा भी सकता हूं। ये मेरे पास पावर है, अथॉरिटी क्या है काम कराना, पावर क्या दी गई है मुझे कि अगर कोई बंदा काम ना करे उसकी सैलरी काट लो और काम करे करे तो बढ़ा दो सैलरी, दैट इज पावर। सो वो होती है रिवॉर्ड पावर, कि तुम्हारे पास एक पावर है कि किसी की सैलरी इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो, और अगर रिवॉर्ड पावर किसी के पास है दैट मींस उसकी वैल्यू ऊपर है, तुम उसकी बात मानोगे, है ना, तुम उसकी बात मानोगे कि सैलरी ना काट देंगे। कंपनीज में क्या होता है, बहुत सारे एम्प्लॉयज होते हैं वो छुट्टियां बहुत मारते हैं कॉर्पोरेट में, क्यों, उनको पता है उनके सीनियर के पास अथॉरिटी है काम कराना है, पावर नहीं है, वो सैलरी नहीं काट सकते, सैलरी तो कंपनी ऊपर से ले ली, वो सैलरी नहीं काट सकते, वो ये है कि डांट सकते हैं उनको, उल्टा बोल सकते हैं, मेल लिख सकते हैं उनकी सीधी, कंप्लेन कर सकते हैं ऊपर, लेकिन सैलरी नहीं काट सकते। लेकिन अगर पावर दी गई है उसको तो वो सैलरी काट सकता है, तो दैट इज पावर में सैलरी काट भी सकते हैं, काट भी सकते हैं, बेसिकली इसमें लिखा नहीं है, इसमें सिर्फ बताओ कि सैलरी दे सकते हैं उसको एक्स्ट्रा, बट आई से ऑन दी होल कि सैलरी काट भी सकते हैं। रिवॉर्ड पावर मतलब सैलरी देने की या काटने की पावर। नेक्स्ट आता है कोर्सिव पावर। कोर्सिव पावर क्या होता है एक बार पढ़ते हैं। This is based on one person having the ability to punish others, other person for failing to carry out the work. मेरे पास पावर है कि मैं तेरे को क्लास से बाहर कर सकता हूँ। So that is a coercive power. That is a coercive power. Reward power सैलरी बढ़ा सकता हूँ और coercive power कि मैं तेरे को punish कर सकता हूँ। Third, expert power. Expert power क्या होती है? This occurs when one person is regarded by others as having special expertise or knowledge that others do not have. Like for example, मैं किसी कंपनी में जाता हूँ, वहाँ पे सारे MBAs and I am a chartered accountant. जब मैं किसी कंपनी में गया वहाँ बात करी, तो मेरे पास एक expert power है कि I am a chartered accountant, ये काम किसी और को नहीं आता, तो सबको सुनना ही पड़ेगा जो मैं कह रहा हूँ। अब जैसे अभी मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूँ, छुट्टी मारी को नहीं आया तो बोल सकता ठीक है तेरी सैलरी काट दूंगा, या सैलरी नहीं काटूंगा तो ठीक है तेरे को अगले दिन चार घंटे बाद काम करना पड़ेगा, या सैलरी संडे लगाओ काम करो, तो दैट इज कोर्सिव पनिशमेंट। इसके बाद आता है रेफरेंट पावर। सो व्हाट इज रेफरेंट पावर? इट इज बेस्ड ऑन पर्सनल क्वालिटीज ऑफ द इंडिविजुअल एंड ऑफन अकर्स व्हेन वन पर्सन आइडेंटिफाइज विद और विशेस टू इमिटेट अदर। बेसिकली क्या होता है, जैसे मैं कंपनी में, अब तुम सब जैसे मामले कंपनी में काम करो, देर आर 10 पर्सन, 10 लोग है काम कर रहे हैं तुम्हारी टीम में, सेम लेवल पे 10 बंदे नौकरी कर रहे हैं। एक बंदा है उसकी सारे सीनियर से बहुत पट्टी है, वो सारे सीनियर्स के पास घूमता रहेगा, उनके साथ बातें करेगा, मस्ती मारेगा, ऑफिस के बाद उनके साथ घूमने फिरने जाता है। सो क्या तुम उस बंदे से लड़ाई रखोगे या उसे बना के रखोगे? क्योंकि वो बंदे के पास रेफरेंट पावर है। He has the power के although level सब कुछ सेम है, knowledge level भी सेम है,
लेकिन उसके रेफरेंस बहुत तगड़े हैं, उसका लिंक बहुत अच्छा है दूसरे लोगों से, दैट मींस उसके पास वो एबिलिटी जो तुम्हारे पास नहीं है। तो हो सकता है अगर तुम अच्छा काम करो, वो सीनियर को बोले जाता है लेकिन खाली है यार, वो बहुत मेहनत कर रहा है लड़का, वो मैं मानता हूं मेरा फ्रेंड है बहुत मेहनत कर रहा है, तो हो सकता है तुम्हारा सीनियर तुम्हारे को रिवॉर्ड दे उस चक्कर में। सो दैट इज कॉल्ड रेफरेंट पावर। सो मित्रों हमने चार पावर पढ़ी है, रिवॉर्ड पावर मतलब सैलरी, सो जो रिवॉर्ड पावर में जो आपने बोला था सैलरी काटते हैं वो कोई वो कोर्सिंग में आते हैं। सो कोर्सिंग में मतलब सैलरी काट सकता है, पनिश कर सकता है। एक्सपर्ट पावर, यू आर नॉलेजेबल एक्सपर्ट, दैट्स व्हाई तुम्हारे पास पावर है। और रेफरेंट पावर मतलब तुम्हारे लिंक्स बहुत तगड़े हैं एंड यू हैव दैट पावर। इसके बाद आता है लेजिटिमेट पावर। सो व्हाट इज लेजिटिमेट पावर? दिस इज पावर डिराइव फ्रॉम बीइंग इन अ पोजीशन ऑफ अथॉरिटी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। तुम हो सीनियर मैनेजर, तुम डायरेक्टर हो कंपनी के, तो दैट मींस ऑटोमेटिकली तुम्हारे पास पावर आ गई। बेसिकली लेजिटिमेट पावर मींस पावर गिवन ड्यू टू द लेवल इन विच यू आर वर्किंग। जिस लेवल पे तुम काम कर रहे हो उस लेवल के अकॉर्डिंग तुम्हारे पास वो पावर है। फॉर इंस्टेंस अदर एम्प्लॉइज में फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ सीनियर मैनेजर सिंपली बिकॉज ऑफ देयर पोजीशन ऑफ टॉप इन द ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की। टॉप का बंदा है तुम। अब सोचो एक चीज मैं तुमसे पूछता हूं, तुम्हारा सीनियर है जैसे मैं हूं, एक चीज सुना, तो मैंने तुम्हें कोई काम दिया, मेघा मैम ने तुम्हें कोई काम दिया, तो तुम मेघा मैम का करोगे पहले मेरा करोगे? अभी मेरा करोगे क्योंकि यहां पे ट्रस्ट बिल्डर है मां। अब सोचो तुम कंपनी में हो, कंपनी में तुम्हारे सीनियर ने तुम्हें काम दिया, उसका सीनियर डायरेक्टली तुम्हारे पास आया और तुम्हें काम दे, तो तुम किसका काम करोगे? सबसे टॉप के सीनियर का, क्योंकि उसके पास पावर है, तुम्हें पता है कि उसके पास पावर है। कल को अगर मेरा काम अच्छा रहा मैं और ऊपर ले जाएगा। सो ये होता है हमारा लेजिटिमेट पावर। तो मैं ये बता रहा हूं, फॉर इंस्टेंस अदर एम्प्लॉय में फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ देयर सीनियर मैनेजर सिंपली बिकॉज ऑफ देयर पोजीशन एट द टॉप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की। क्लियर गाइस? चलो इसके बाद आता है अदर पॉसिबल रिसोर्सेज ऑफ पावर में इंक्लूड। पहला आता है रिसोर्स पावर। दिस इज द पावर बेस्ड ऑन कंट्रोल ओवर की रिसोर्सेज। फॉर एग्जांपल यूनियन में हैव द पावर ओवर ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली जैसे यूनियन में जो होती है एम्प्लॉयर यूनियन लेबर यूनियन, तो उनके पास अपनी पावर बन जाती है। दैट इज रिसोर्सेज पावर के सारे एम्प्लॉयज हमारे साथ हैं, सारे स्टूडेंट्स की पावर है हमारी की। अगर तुम नहीं पढ़ाओगे या कुछ भी ऐसा करोगे तो हम सारे बंक पे चले जाएंगे। आज कोई क्लास नहीं आएगा, सारे बंक पे जाएंगे स्टूडेंट्स पावर, वो चीज। उसके बाद आते नेगेटिव पावर, द एबिलिटी टू यूज डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर एंड एटीट्यूड्स टू प्रिवेंट थिंग्स फ्रॉम हैपनिंग। अगेन जैसे यूनियन होगी कि काम रोक दिया, मेरे पास पावर है मैं काम रुकवा सकता हूँ, काम रुकवा दिया डिस्टर्ब कर दिया काम, या तो हमारी मांगे पूरी करो वरना हम काम नहीं होने देंगे। दैट इज नेगेटिव पावर, नॉट सो इंपॉर्टेंट, बेसिकली तुम्हारे लिए वो मानती है। चलो क्वेश्चन नंबर अंडरस्टैंडिंग नंबर 3, इफ अ मैनेजर जस्टिफाइज एन इंस्ट्रक्शन टू अ सबॉर्डिनेट बाय सेइंग बिकॉज आई एम अ क्वालिफाइड अकाउंटेंट एक्सपर्ट, वेरी गुड, the manager is relying on which of the following basis of power? Expert power, very good. चलो आगे आते हैं। Note that it is possible for to be a manager who has authority given. चलो simply है। Alternatively, it is possible to have no authority from the organization but still have the power over people. कैसे? तुम्हारे पास अथॉरिटी नहीं है फिर भी तुम्हारे पास पावर है, कैसे हो सकती है? गिव मी वन गुड एग्जांपल। यू डोंट हैव द अथॉरिटी बट पावर है तुम्हारे। सर जैसे अभी हमने बताया ग्रुप में जो होता है ना यूनिटी, हाँ लेबर यूनियन, उनको हमने अथॉरिटी दी है कि तुम ये काम करो। हमने यूनिट जो यूनियन बनी हुई है लेबर यूनियन, उनको कोई अथॉरिटी थोड़ी दी है कि तुम काम रुकवा सकते हो, बट स्टिल ग्रुप की वजह से उनके पास पावर है। सो यही पॉइंट है, इट इज पॉसिबल टू हैव नो फॉर्मल अथॉरिटी फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन बट स्टिल दे हैव द आराम से खड़ी हो सकती है पर अगर कोई मेंस की सीट में कोई एजेड बैठे तो ये वुमन सीट में बैठ रही उठ के, तो एक होता है कि हां मैं लड़की हूं तो मैं एक्चुअली आई वाज रेफरिंग टू दैट पार्ट ऑफ के, अब जैसे वुमन के लिए अलग से स्पेशल कोच बना हुआ है, हां स्टिल वुमन प्रेफर कि वो पीछे जाके कर रहे हो, हां
because क्या होता है कि उनको ये होता है कि हम women हैं तो हमें कोई ना कोई सीट मिल जाएगी, सीट भी मिल जाएगी, कोई कुछ कहेगा भी। हाँ। अब मैं खुद देखता हूँ ये चीज, मैं बना की बात नहीं, there was one day I was traveling from metro, आगे women से आधा खाली है और लड़कियां सारी पीछे चढ़ी हुई, पीछे वाले बिल्कुल women cell के तीन चार जो वो है box छोड़ के वहां पे सारी थी, कम से कम ग्रुप था 15-20 लड़कियों का प्लस थोड़े वो लड़के वाले फ्रेंड्स वाला। सो अगर तुम्हारे अलग से कोच बना है एंड तुम्हें पता है कि यहाँ पे जनता ज्यादा है, सो व्हाई डोंट यू यूज दैट कोच, तुम उस कोच में भी जा सकते हो, दैट इज योर यूजिंग द वुमन पावर, वैसे तुम्हारे पास पावर नहीं है, अगर उनके साथ कोई होता है तो इसलिए वो आगे जाते हैं। नहीं वो बात सही है, बट वैसे अकेले भी कभी जाती नहीं है वो, तब भी वहां जाती है, और वहां जाके पता है क्या होता है, जैसे वहां पे लिखा होता है ना सीट फॉर सीनियर सिटीजन, या ये खड़ा खुद नहीं बैठेगी, उनको खड़ा कर देगी, यहाँ क्यों बैठो। अब एक्चुअली मेरे साथ ये हो चुका, मैं दिल्ली जा रहा था तो अब सीट मेरे को मिली, और मैं इस मामले में मैं थोड़ा घबराता नहीं, मैं बोल रहा हूँ मेरे को डर, मैं डरता नहीं इन चीजों में, जो है वो सही। तो मैं बैठा हुआ था तो एक लेडी आई, एक्सक्यूज मी मैं भैया ये सीनियर सिटीजन की सीट है, मैंने कहा अगर कोई सीनियर सिटीजन यहाँ पे है तो उसको बुला लो मैं खड़ा हो जाता हूँ, तो कहती चाहे नहीं भी है तो वैसे बैठे हो, मैं कहा जो बैठने वाला ना खड़ा होगा आपको बैठने तो बता दो, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, तो ये ऐसी बात हो, मैंने उसको भी बोला फिर उसने बोला कि कहां लिखा हुआ है क्या लड़की नहीं आ सकते, लड़कियां नहीं आ सकते, मतलब एग्जैक्टली कहां लिखा हुआ है क्या दूसरे नहीं बैठ सकते, उनके लिए रिजर्व है, बट जब कोई है नहीं तो कोई भी बैठ, तो ये चीजें होती है। चलो एनीवेज नॉट विल नॉट गेट इनटू दैट, तो जस्ट एन एग्जांपल, ठीक है। सो दैट इज पावर है बट अथॉरिटी नहीं। सो उसके बाद आता है लिंक बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसा मैंने पहले बताया था कि देयर शुड बी अ प्रॉपर लिंक बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी हो रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो वो भी गलत है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो अथॉरिटी ना हो वो भी गलत है। तो फर्स्ट केस बता रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट अथॉरिटी। अब तुमसे अगर मैं पूछूं, मैंने किसी बंदे को बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी एंड उसको कोई भी अथॉरिटी नहीं दी, तो प्रॉब्लम क्या होगी? ओवरबर्डन यार, क्या तो अथॉरिटी दो मेरे को, मैं बंदे रखू सारा काम मेरे को करना, मेरे को कोई पावर ही नहीं है, कोई अथॉरिटी नहीं है, कैसे होगा काम? तो दैट इज ओवरबर्डन पार्ट। सो दिस में अकर व्हेन अ मैनेजर हैज रिस्पांसिबल फॉर से टाइम कीपिंग बट डज नॉट हैव द अथॉरिटी टू डिसिप्लिन सबॉर्डिनेट्स हु आर रेगुलरली लेट। अगर एक बंदे को बोला गया कि तेरे को ध्यान रखना है कि कोई लेट ना हो, लेकिन अगर कोई लेट हो तेरे पास अथॉरिटी नहीं है तो उसको कुछ कर सके, मैं मानूंगा नहीं, मैं तो आऊंगा लेट करने का, कर ले तो अब लेट ही कर सकता है, ठीक है कर ले, ठीक है। द मैनेजर इज लाइकली टू बिकम फ्रस्ट्रेटेड एंड डीमोटिवेटेड एज they lack the power and authority needed to meet the target as they have been made responsible for. On the other end, agar main kisi ko authority bahut zyada deta hu and usko responsibility de raha hu, kya hoga? He will misuse his power. Usko bahut power hai. To aur ho sakta hai ki target mein achieve na ho kyunki humne responsibility di thi usko. So a personnel department may have the authority to employ new member of staff but are not held responsible for quality of the staff they selected. उनको बोला गया तुम्हें 50 बंदे हायर करने, ये नहीं बोला गया कि वो अच्छे होने चाहिए, तो वो क्या करेंगे, एक अपना भाई बुला लेगा, एक अपनी बहन बुला लेगी, एक कजन बुला लेगा, एक उसको बुला लेगा, कर लो क्या टेंशन, क्योंकि कंपनी ने बोला ही नहीं क्वालिटी चाहिए, हमें एक्सपीरियंस बंदा या क्वालिफाइड चाहिए, कुछ भी कर लो। तो मैनेजर्स हु आर नॉट मेड अकाउंटेबल फॉर देयर डिसीजंस may act irresponsibly or इसमें you can say कि they misuse their authority, so you can say they can misuse their authority, they can misuse their authority. आगे बढ़े, चलो understanding 4 बताओ, ए है या बी? सर बी, रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट अथॉरिटी।
अभी कौन सा है बस The payroll department are not happy about giving John information is required. So this is responsibility with our authority. तो उसको responsibility उन्हें नहीं कि information चाहिए, लेकिन authority नहीं दे रही कि वो कहीं और से information भी निकाल सके. That is responsibility without giving authority. अब आती है theories about management. ये सारा 12 का है, but मैं कम से कराऊंगा because तुम दोनों नए student हो. So theories of management क्या होता है? So management के बारे में basically कुछ बताया गया कि management होती क्या है, how do you manage things. जैसे अगर मैं तुम्हें बोलूं कि we need to go to a trip, let's go to Shimla या let's go to यहाँ पे अपना आपका काम है, वहाँ चलते हैं. ये हमने एक task defined किया, goal achieve, goal defined किया, and I am appointing a management person who need to manage everything. So what he will do to ensure that goal is achieved, जैसे पहले he will plan कि वो planning करेगा कैसे-कैसे काम करने, फिर planning करने के बाद फिर organize करेगा सारी चीजें. तुमने plan करा कि इस route से जाएंगे, organizing इसके लिए हमें गाड़ी चाहिए, इसके लिए ये चाहिए, petrol चाहिए, खाना चाहिए, वो चाहिए, staffing कौन-कौन चलेगा हमारे साथ, directing चलो और देखते हैं उसी रास्ते पे चल रहे हैं नहीं चल रहे, controlling यार तुमने रास्ता भी चेंज किया, हमें उस रास्ते पे जाना था, तो क्या हम सही रास्ते पे चल रहे हैं कि नहीं, ये चेक करना, दैट इज कंट्रोलिंग. तो वो सारा भी डिटेल में पढ़ेंगे. सो ये होता है मैनेजमेंट का काम. सो अब हमें यही देखना है कि थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट किस किस बंदे ने मैनेजमेंट के बारे में क्या क्या बताया था. सो क्लासिकल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट थ्योरीज हैव डेवलप्ड ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन थीसिस. दे आर लार्जली कंसर्न्ड विद इंप्रूविंग एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी, कि तुम्हारी एफिशिएंसी इंक्रीज हो एंड प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो. इसके लिए मैनेजमेंट की बहुत बंदों ने थ्योरीज बनाए. एफिशिएंसी का मतलब क्या है? एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस दो चीजें होती है. एफिशिएंसी मींस के टाइम पे काम आना चाहिए और कॉस्ट. इफेक्टिवनेस मींस के ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. एफिशिएंसी मींस ऑन टाइम, इफेक्टिवनेस मींस ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. सर कॉस्ट का मतलब कुछ होता है? हां वही तो. हां ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स मतलब कॉस्ट की कॉस्ट कम होनी चाहिए. वही बात हो गई. हेनरी फ्योर ने बोला कि मैनेजमेंट को हम इन पांच चीजों में बांट सकते हैं. पहला है प्लानिंग, देन ऑर्गेनाइजिंग, देन कमांडिंग, देन कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग. प्लानिंग, प्लानिंग मतलब कि एक प्लान बनाना काम का. ऑर्गेनाइजिंग मतलब कि चीजें ऑर्गेनाइज करना, स्टाफ लाना. कमांडिंग मतलब सबको ऑर्डर देना. इसमें कमांडिंग इज डायरेक्टिंग. कोऑर्डिनेटिंग मींस उन सबसे मिल बांट के काम करवाना. अभी तो ऑर्डर दे दिए, अब मिल बांट के काम करना पड़ेगा. और लास्ट में कंट्रोलिंग के क्या वो काम सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे. ठीक है. सो ये दिया था हेनरी फ्योर. सिर्फ ऑर्गेनाइजिंग का मतलब वो यहाँ पे पढ़ते हैं साथ डिटेल में. ऑर्गेनाइजिंग का मतलब है हमने सोचा कि ये काम है. जैसे मैंने ऑर्गेनाइज, हमने देखा प्लानिंग में कि हमें खाना चाहिए, जब जाएंगे बाहर ट्रिप पे सामान चाहिए. ऑर्गेनाइजिंग मतलब तू ये सामान लेके आएगा, तू ये सामान लेके आएगी, तू ये सामान लेके आएगा, कैसे कैसे लाना, ये होता है ऑर्गेनाइजिंग. तो एक बार फटाफट से पढ़ लेते हैं. The manager according to fuel, manager के क्या क्या function होते हैं. पहला होगा planning, उसके बाद organizing, then commanding, then coordinating and controlling. So forecasting या planning में क्या होगा, set objective क्या set होंगे, and evaluate and choice of action to reach objective, किस तरह से हम वो target achieve कर सकते हैं. घूमने का plan बनाते हैं, घूमने जाना था तो manager क्या करेगा, पहले देखेगा कि कहाँ घूमने जाना है और कितना टाइम लगेगा हमें कि हम घूम के जाके आ जाए, सब कुछ प्लान. उसके बाद आएगा ऑर्गेनाइजेशन, वो क्या करेगा, अब घूमने से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज हैं सबको तोड़ेगा. घूमने के लिए हमें एक वहां होटल बुक कराना है,
गाड़ी चाहिए, खाना चाहिए, पेट्रोल चाहिए, ये सामान चाहिए, कौन कौन ये सामान लाएगा, कौन कौन ये करेगा, दैट इज डिवाइड द वर्क इनटू टास्क एंड प्रोजेक्ट्स, अपॉइंट सबॉर्डिनेट रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच एलिमेंट, एनश्योर स्टाफ हैव नेसेसरी स्किल्स एंड रिसोर्सेज दे नीड। मैंने एक बंदे को बोल दिया तो चिप्स लेके आएगा 25 पैकेट चिप्स, पैसे दिए कैसे लाएगा? सो मतलब पहली बात, अब उस बंदे को मैंने चिप्स के लिए क्यों बोला, वो बंदा मार्केटिंग का बड़ा सही बंदा है, वो सस्ते चिप्स ले आएगा बल्क में कि मैं 25 चिप्स ले रहा हूँ, थोड़े सस्ते कर दूं। सो उसके पास स्किल्स भी है काम करने के, एंड मैं उसको पैसे भी दे रहा हूँ। सो ये होगा मेरा ऑर्गेनाइजेशन में। कमांडिंग में क्या होगा? गिव इंस्ट्रक्शंस टू सबॉर्डिनेट टू कैरी आउट टास्क। अब मैंने उनको सबको बोला ऐसे काम करना है, अब बोल दे चलो काम स्टार्ट करो, स्टार्टिंग होगा। डेलीगेट अथॉरिटी टू सबॉर्डिनेट सो दैट दे कैन कमांड अदर्स। अब एक बंदे को बोला कि मैं तेरे को अथॉरिटी दे रहा हूँ, पैसे भी दे रहा हूँ, तो कोई भी टैक्सी वाला हायर कर दिए, बस रिस्पॉन्सिबिलिटी ये, वो बंदा बढ़िया होना चाहिए, बेकार बंदा नहीं होना चाहिए, ठीक है? दैट इज कमांडिंग। कमांडिंग के बाद कोऑर्डिनेशन, एंश्योर दैट ऑल स्टाफ आर वर्किंग टुवर्ड कॉमन गोल। अब टारगेट ये देखने के सारे बंदे घूमने का प्लान में ही इन्वॉल्व हो। पता लगा एक बंदा 20 पैकेट चिप्स के लाके 5 खुद ही खा गए अपने घर पे ले गए। पता लगा इसको बोलने गाड़ी का कुछ, वो अपनी अपनी मर्जी चला रहे हैं कि भैया मैं तो बड़ी गाड़ी लूंगा, मेरे को छोटी गाड़ी में जाना ही, मैं तो बड़ी गाड़ी हायर करके आऊंगा। तो दैट इज सारे कॉमन गोल के लिए काम कर रहे हैं। इसका मींस गोल कॉन्ग्रुएंस, हमने बहुत बार पढ़ा हुआ है, गोल कॉन्ग्रुएंस मींस के टुवर्ड्स वर्किंग फॉर गोल। लास्ट आता है कंट्रोल। कंट्रोल में क्या हुआ, जो हमने टारगेट सेट किए थे हम वो कंपेयर करेंगे कि हमने सोचा था 3 बजे तक हम वहां पहुंच जाएंगे प्रतापगढ़ फार्म्स, क्यों नहीं पहुंच पा रहे, 3 तो यही बज गए, क्या कमी रह गई कि आते हुए वो गलती ना हो या नेक्स्ट टाइम ये गलती ना हो। दैट इज कंट्रोलिंग। टारगेट सेट करेंगे, मेजरिंग द आउटकम्स के एक्चुअली में क्या हो रहा है, टेकिंग रेमेडियल एक्शन कि वो गलती दोबारा ना हो। बजट में वेरिएंस रिपोर्ट, हां बजट में जब वेरिएंस रिपोर्ट, इसमें हां वेरिएंस रिपोर्ट होगा, ठीक है? ये होता है हमारा मैनेजर का काम। सो ये था हमारा फियोलॉजी का। अब आता है टेलर। टेलर का फुल फॉर्म क्या था बता? टेलर एक मिनट, वो तो टेलर था, एफ डब्ल्यू टेलर, ठीक है? फोटो दिखाओ टेलर फ्रेंडली, फोटो दिखाओ टेलर को, दर्शन करो सर। जैसे 12th में था तो मैं दिखा रहा हूँ, ये है अभी तो आगे चलो गाइस काम करते हैं। अभी 5 मिनट ब्रेक लाइव है, वैसे भी आ टाइम तो इसलिए मैं शुरू करा रहा हूं, वरना जो 11th वाले स्टूडेंट्स थे उनको तो मैंने लिटरली 1 घंटे में खत्म करा दिया टॉपिक पूरा। बड़ा लोग भी आते क्या लैब वाले लिखो कैसे आते हैं कवर हो गया उनका तो होगा उन्होंने मैनेजमेंट सारी पढ़ी हुई है ना। चलो अब आता है टेलर। सो टेलर ने क्या बोला? अब टेलर एफडब्ल्यू टेलर Taylor says that by analyzing work in a scientific manner, it was possible to find the best way to perform task. अब इसने क्या करा? Scientific manner मतलब कि एक काम को अलग-अलग तरीकों से करके देखो, जो भी best तरीका होगा
आगे से फिर हम उसी तरीके से काम करेंगे, मेथड स्टडी, टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, इसने काफी सारी स्टडी थी, ठीक है. सो ही फेल्ट दैट बाय ऑर्गेनाइजिंग वर्क इन मोस्ट एफिशिएंट वे the organization's productivity would increase, allowing them to reward employees with additional remuneration. So Taylor stated that this was the only motivation. हमने तरीका देखा, अलग-अलग तरीके देखे काम करने के, और उसमें से बेस्ट तरीका सिलेक्ट किया, और जब सारे वो तरीके से काम करेंगे तो ऑब्वियसली हमारी ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से चलेगी, ठीक है. टू अकम्प्लिश दिस टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ फोर की प्रिंसिपल, उसके चार प्रिंसिपल थे. पहला था task should be analyzed in detail to determine most efficient method to use. जो भी काम हमें करना है हम डिटेल में देखेंगे ताकि हम कोई भी गलती ना करें और बेस्ट तरीका देख लें वो काम करने का. अब एग्जाम्पल फ्योर ने सिर्फ ये बताया कि हमें लेट से प्रतापगढ़ फार्म जाना है, कैसे जाना है उस गाड़ी से चलते हैं बस. टेलर ने और डिटेल में देखा कि यार हमें वहां पे जाना है, रास्ते में ये आएगा वो आएगा, गड्ढे बहुत है, ऐसे बहुत है, तो हम ना गाड़ी दूसरी लेके चलते हैं, कोई एसयूवी गाड़ी लेके चलते हैं ताकि, और एसयूवी तेज भी चलेगी और गड्ढों में भी इजीली निकल जाएगी. दैट इज काइंड ऑफ साइंटिफिक स्टडी. टेलर प्योर ने तो ऊपर से बताया था कि गाड़ी चाहिए, टेलर ने और डिटेल में स्टडी करी. सो टास्क शुड बी एनालाइज्ड इन डिटेल टू डिटरमाइन द मोस्ट एफिशिएंट मेथड्स टू यूज. नेक्स्ट, स्टाफ मेंबर शुड बी साइंटिफिकली मैनेज्ड, only most suitable person should be chosen, trained and developed for each job. जो भी बंदे में रखे हैं, जो best बंदा है, जो capable है, जो कर सकता है, सिर्फ वही बंदा appoint करना है, फालतू का बंदा हमें appoint नहीं करना, फालतू का बंदा हमें appoint नहीं करना. Manager should make all decisions and provide detailed instructions to workers to ensure that वर्क कैरिड आउट इन द मोस्ट एफिशिएंट वे पॉसिबल. कि मैनेजर ही सारे की डिसीजन ले एंड नीचे इंस्ट्रक्शंस दे ताकि काम अच्छे से हो. अब मैं सबको बोल दूं अपने अपने डिसीजन लो, कोई किसी और तरीके से कर रहा है, कोई किसी और तरीके से कर रहा है, तो टास्क अकम्प्लिश नहीं हो पाएगा. मुझे ही सारे फैसले लेने हैं, मैं वो फैसला लेके ये बोलूंगा तुम ऐसे करोगे, तुम ऐसे करोगे, तुम ऐसे करोगे. लास्ट, वर्क हैज टू बी डिवाइडेड बिटवीन द मैनेजर्स एंड वर्कर्स विद क्लोज कोऑपरेशन बिटवीन बोथ ग्रुप. काम तो बढ़ेंगे लेकिन मिल बांट के, ऐसा नहीं है कि बस तेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, जैसे मर्जी कर, गलत नहीं होना चाहिए. अब वो बंदा वैसे ही घबराया हुआ हो, अब सोचो मैंने तुम्हें बोला कि चिप्स के पैकेट लाने 25, हम सारे घूमने जाएंगे चाहिए, ठीक है. तुम शॉप पे गए, अब चिप्स लाने हैं, तुम्हें क्या पता किसकी क्या चॉइस है, तुम्हें नहीं पता किसकी क्या चॉइस है, अपने हिसाब से तुम्हें डर होगा मैं अपने हिसाब से ले आया और किसी को पसंद नहीं आया तो सारे मेरे को डांटेंगे, ठीक है ना. So that is dirt. लेकिन अगर मैं वहां गया, मैंने तुमने मेरे को कॉल किया, सर हम वहां पे पहुंच गया, बताओ कौन कौन जितने, मैंने कहा एक सेकंड रुक, मैं पूछूं कौन से रहेगा, कौन से रहेगा, कौन से रहेगा, चल के बाद सारे रहो. That is coordination, मिल बांट के काम कर रहे, ठीक है. सिंपल है, ज्यादा देर में नहीं पढ़ा तुम्हें, सिर्फ समझना है पॉइंट. अब आता है क्रिटिसिज्म ऑफ क्लासिकल मॉडल्स, के इन क्लासिकल मॉडल्स का क्रिटिसिज्म क्या, लोग इसके अगेंस्ट क्यों है, या इसके अगेंस्ट क्या क्या हो सकता है. While there are areas where these classical models are relevant, most modern theorists would argue that a more progressive approach is needed. Basically, वो क्या कह रहे हैं कि इन्होंने जो approach दिया वो कई जगहों पर सही है, लेकिन आज की generation के according ये दोनों नहीं चलते. आज की generation के according कुछ और तगड़ा चाहिए हमें, ठीक है. It is recognized that there is not always a best way of doing a work. कभी भी किसी को काम करने का एक बेस्ट तरीका नहीं होता, हर रोज नए तरीके बनते हैं. अगर हम एक ही तरीके से काम करेंगे तो मतलब इनोवेशन ही नहीं है. मैंने देख लिया ये बेस्ट तरीके ऐसे काम होगा और हर बार वैसे हो रहा है. अब भैया टेक्नोलॉजी चेंज होती जा रही है, नए नए तरीके आ रहे हैं, फिर वो फॉलो करो. सो इट्स नॉट ऑलवेज हर चीज का कोई बेस्ट तरीका होगा. दूसरा, मैनेजर्स रियलाइज दैट इंप्लॉइज कैन हैव value insights into a job and can make important suggestion for improvement. हमने पढ़ा था कि टेलर ने बोला सारे फैसले मैनेजर लेगा, लेकिन employees भी कई बार ऐसे होते हैं उनके भी फैसले मैनेजर से भी बहुत अच्छे होते हैं. जैसे तुमने गब्बर मूवी देखी है, गब्बर इन फैक्ट, उसके अंदर वो छोटा सा वो था हवलदार और उसने कितनी सारी वो कर रखी थी, गुत्थी 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 सुनील ग्रोवर, तो उसने कितना कुछ कर रखा था. That means it's not always like कि managers ही decision ले सकते हैं, कई बार employees भी बहुत अच्छे होते हैं. उसके बाद many workers are motivated by factors other than financial reward. क्या हो गया? मैं focus नहीं हो रहा. Light चलाता हूँ. नहीं नहीं. तो
मेनी वर्कर्स आर मोटिवेटेड बाय फैक्टर्स अदर देन फाइनेंशियल रिवॉर्ड. खाली पैसा देने से नहीं होता कि बंदे वो करते हैं. पैसा देने से कोई बंदा मोटिवेट नहीं होता जिसके पास ऑलरेडी बहुत पैसे है. जैसे एक मूवी थी, मुझे नाम नहीं याद, खेल मूवी देखी तुमने? खेल मूवी आई थी सुनील शेट्टी और ये वाला क्या नाम है दबंगला का बेटा सनी देओल. तो उसमें सनी देओल वाज अ पुलिसमैन एंड सुनील शेट्टी वाज अ वेरी रिच पर्सन. तो एक दिन सुनील शेट्टी उसको पैसे खिलाता है. तो सनी देओल बोलता है मैं नौकरी पैसों के लिए नहीं कर रहा हूँ. जितनी तेरी प्रॉपर्टी है ना उतनी जगह पे मेरे घोड़े बोलते हैं. तो पैसा बहुत है मेरे पास. सो दैट मीन्स हर एम्प्लॉय पैसे के लिए काम नहीं करता. हो सकता है कोई और मोटिवेशन भी हो. जैसे मैंने बताया था, जैसे एग्जांपल मैं तुमको देता हूँ कि तुम्हें टाइपिंग करनी है, ठीक है? मैंने बोला ये टाइपिंग नहीं, जो मैं काम बोल रहा हूँ, तुम्हें शिमला जाना है, ठीक है? हम अलग अलग चीजें एनालाइज करी और देखा कि ये बेस्ट रास्ता है शिमला जाने का. अगर अगले दिन को नया हाईवे बन गया फिर तो हमें उस हाईवे जाना पड़ेगा. अब मैंने पहले ही बोल दिया कि यही बेस्ट तरीका है, यही फॉलो होगा, तो हो सकता है वो गलत हो. हमें इनोवेशन भी तो करनी पड़ेगी. So there is not always the best way of doing. बंद हो जाए क्या आपका वो रास्ता? बंद हो जाए. अब है बेस्ट तरीका बट अगर बंद हो जाए रास्ता फिर ठीक है. चलो अब अंडरस्टैंडिंग 5. Which of the following statements best describe classical approach to management? बताओ. हाँ जी. हाँ लो अकाउंट्स का. हाँ 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 बीएससी का कहते हैं. बीएससी के परसों आना यार क्योंकि मेरे खाते अभी तक भी नहीं आ रहा. तो बीएससी के लिए आना था परसों आ रहा. 3:30 आ रहा. 3:30 to 4:30 आ रहा. ठीक है. हाँ गाइस बताओ उसे बताओ. Which of the following statement best describe classical approach to management? One best approach exists. Different employees are motivated by different things. Communication should be encouraged. An employee is considered an input to the organization system. A, C. No, answer is B. One best approach exists. Which of the following statement best describes classical approach to management? इसमें से कौन सी चीज है जो पुरानी अप्रोच को सही बताती है? ये तो नई अप्रोच है. हर एम्प्लॉय अलग तरीके से मोटिवेट होता है. कम्युनिकेशन शुड बी एनकरेज, ये भी पुरानी अप्रोच में नहीं बताया नहीं हो. वन बेस्ट अप्रोच एग्जिस्ट के एक ही तरीका होता है काम को सही करने का, ये पुराने हिसाब से बताया गया. सो मैं भी क्वेश्चन एक बार बता दूं. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब क्लासिकल अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट? कि पुराने तरीके से काम करना जो होता था, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट बताता है कि जो पुराने तरीके से काम करते हैं? सो सी ही अकेला मेथड है जो पुराने तरीके से बताता है. पर अगर नया मेथड कुछ आता है तो सारे नए तीनों. ये भी नया तरीके है. हर एम्प्लॉय अलग तरीके से काम करता है. एन एम्प्लॉय इज कंसीडर्ड इनपुट टू ऑर्गेनाइजेशन, ये भी एक नया वो है कि एम्प्लॉय ही बात मान सारी उससे डिसीजन दे दो. तो सारे ही नए मेथड है एक्सेप्ट सी. ठीक है चलो उसके बाद आता है ह्यूमन रिलेशन स्कूल. सो ह्यूमन रिलेशन स्कूल क्या होता है? बेसिकली वर्कर एंड मैनेजमेंट के बीच में रिलेशन से ही गोल अचीव होते हैं. अगर वर्कर और मैनेजमेंट के बीच में अच्छा रिलेशन है तभी हमारे टारगेट्स अचीव हो पाएंगे, अदरवाइज नहीं हो पाएंगे. नीति लाइट का सबसे नीचे, सबसे लेफ्ट वाली ऊपर से. सबको नींद आ रही है तो दिख रहा था, अब बहुत ज्यादा हो गया इसलिए. ठीक है. सो द ह्यूमन रिलेशन स्कूल क्या कहता है कि हर बंदे को एम्प्लॉय जो है अगर उसका मैनेजमेंट से एक अच्छा रिलेशन रहेगा तभी वो खुशी खुशी और अच्छा काम कर पाएगा. अगर उनके बीच में लड़ाई रहेगी तो एम्प्लॉय काम करेगा नहीं, मैनेजमेंट और एम्प्लॉय की लड़ाई चलती रहेगी और हमारे टारगेट अचीव नहीं हो पाएंगे. सो दिस मॉडल वाज डेवलप्ड बाय एल्टन मायो ड्यूरिंग हिज 5-year स्टडी दैट द हैकोन वर्क्स फॉर स्टडी. चलो छोड़ दो ये. मायो आर्ग्यूड दैट, एल्टन मायो ने क्या आर्ग्यू किया था? एम्प्लॉय बिहेवियर डिपेंड्स प्राइमरी ऑन ग्रुप रिलेशंस एंड मैनेजमेंट वर्कर कम्युनिकेशन रादर देन वर्किंग प्रैक्टिसेस और फिजिकल कंडीशन. के जगह अच्छी हो ना हो वो अलग बात है, लेकिन अगर तुम्हारे सीनियर के साथ अच्छे रिलेशन है तो तुम गंदी जगह पे भी काम कर सकते हो क्योंकि उनसे तुम्हारे रिलेशन बहुत अच्छे बन रहे हैं, कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है.
वेज लेवल आर नॉट द डोमिनेंट मोटिवेटिंग फैक्टर फॉर वर्कर. खाली सैलरी ज्यादा देना, पैसे ज्यादा देना इज नॉट द ओनली फैक्टर जहां से तुम्हारे एम्प्लॉय खुश रहेंगे. ठीक है, इसके बाद अल्टीमेटली वर्कर एटीट्यूड, ग्रुप रिलेशनशिप एंड लीडरशिप स्टाइल आर द की फैक्टर्स दैट डिटरमाइन प्रोडक्टिविटी. बेसिकली पॉइंट यही है, क्रक्स यही है कि एम्प्लॉय का मैनेजमेंट से क्या रिलेशन है वही बताता है कि कंपनी के गोल्स अचीव हो पाएंगे या वही लिखा हुआ है. बेसिकली वर्कर एंड मैनेजमेंट के बीच के रिलेशन ही गोल्स अचीव करवाते हैं, वरना नहीं हो पाते. ठीक है, क्रक्स यही है बस. सबसे पहले आया हमारा ड्रकर, D-R-U-C-K, ड्रकर आर्ग्यूज दैट ऑल मैनेजर्स परफॉर्म बेसिक फाइव फंक्शन. सारे मैनेजर्स ये पांच फंक्शन फॉलो करते हैं. पहला डिवेलप पीपल, मतलब अपने इंप्लॉइज को डिवेलप करो, ट्रेनिंग दो उन्हें, नया नया काम सिखाओ. सेट ऑब्जेक्टिव्स, कंपनी के ऑब्जेक्टिव सेट करो. ऑर्गेनाइज, सारा काम ऑर्गेनाइज करो. मोटिवेट एंड कम्युनिकेट, कि अपने इंप्लॉइज को मोटिवेट करो कि वो काम करें, एंड उनसे कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग रखो, कोऑर्डिनेशन रखो. एस्टैब्लिश यार्डस्टिक्स. अब यार्डस्टिक्स क्या होता है? बाय मेकिंग मेजरमेंट्स अवेलेबल व्हिच आर फोकस्ड ऑन परफॉर्मिंग ऑफ होल ऑर्गेनाइजेशन at which the same time focus on work of individual and help them to do it. basically हमारी पूरी टीम जो कंपनी है हमें वहां लेके जाना है, हमें ऐसे लेके जाना है, लेकिन अभी जो हम काम कर रहे हैं इससे कंपनी ऐसे जा रही है, that means हमें अपने टारगेट अचीव करने पड़ेंगे. so yardsticks को you can say benchmarks, के benchmarks सेट कर रहे हैं कि हमें वो चीज कंप्लीट करनी है, ऐसे काम कंप्लीट करने. जैसे टारगेट, मैंने टारगेट दिया 1 crore की सेल करनी है, एक तरह से टारगेट सेट कर दिया. सेम इज एस्टैब्लिश यार्डस्टिक्स, कि आज तुम्हें इतना काम करना है तभी हम अपने टारगेट अचीव कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं. ठीक है, इसके बाद आ गया बेंचमार्क. बेंचमार्क का पढ़ाओ तुमने पहले. हां सर, मैं एक और चीज भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया. बेंचमार्क ऑर्गेनाइजेशन यार क्या होता है? स्ट्रक्चर बताया सर, उसने 5 हिस्सों में डिवाइड किया था. एक तो टॉप लेवल मैनेजमेंट था, मिडिल लेवल था, वेरी गुड. मींस वर्क में बता रहा, टॉप मिडिल लोअर टेक्निकल एंड सब वो अदर प्रोफेशनल अदर क्या चल नहीं. एक आइडियोलॉजी था सर, ऑपरेशनल आइडियोलॉजी था सर, 6 एक लास्ट था आइडियोलॉजी, ये सारे उसने बताए. गुड, सो वही प्रिंसिपल. अब यहां पे इसने मैनेजमेंट के बारे में भी कुछ और बताया. अब मैनेजमेंट के बारे में उसने क्या बताया हुआ है? 10 स्किल्स ऑफ मैनेजर, कि मैनेजर के पास ये 10 स्किल्स होनी चाहिए. तो तुम्हें बहुत डिटेल में नहीं पढ़नी है, जो सुपर ऊपर से समझ आनी चाहिए. बस ये 10 कौन कौन सी स्किल्स होनी चाहिए मैनेजर के पास. सबसे पहला है इंटरपर्सनल. इंटरपर्सनल मींस कि दूसरे बंदे के साथ कैसा उसका रिलेशन है, उसके लिए क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए इसके पास. पहला स्किल है फिगर हेड. फिगर हेड मतलब अगर एक मैनेजर है, अगर सारे उस मैनेजर को आइडल मानते हैं, सारे उसको फॉलो करते हैं, आइडल मानते हैं, दैट इज फिगर हेड. फिगर हेड मतलब जैसे मान लो पूरी टीम को वही हर जगह वो करता है, रिप्रेजेंट करता है. जैसे मान लो पूरी टीम ने काम किया, उसने पूरी टीम का काम करके एक पूरा पाई चार्ट बनाया और सीनियर मैनेजमेंट को पूरा पाई चार्ट समझाया कि देखो ऐसे ऐसे इन्होंने काम किया हो, दैट इज पूरी टीम को वो रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज फिगर हेड. पूरी टीम को वो दिखा रहे, नजरिया दिखा रहे पूरी टीम, ये हमारी टीम में ये बंदे हैं, सबने मिलकर ये काम अचीव किए, दैट इज फिगर हेड. एग्जांपल रिसीविंग विजिटर्स एंड मेकिंग प्रेजेंटेशन, सारा वो अकेला बंदा कर. उसके बाद लीडर, मैनेजमेंट को, मैनेजर जो है उसका एम्प्लॉइज के साथ रिलेशन अच्छा तभी हो सकता है व्हेन ही इज अ गुड लीडर. वो उनको लीड कर सके, उनको इन्फ्लुएंस कर सके, उनको और मोटिवेट कर सके. उसके बाद होता है लायजन. एक लायजन का मतलब क्या होता है? लायजनिंग मींस कि आपके लिंक्स बहुत तगड़े हैं दूसरी टीम के साथ, किसी और के साथ आपके लिंक्स बहुत तगड़े. सो इंटरपर्सनल स्किल्स इन मैनेजर की और क्या होनी चाहिए? कि ही इज एबल टू लायजन विद अदर. जैसे मान लो किसी बंदे से काम निकलवाना है, अब मेरी पूरी टीम है, आई हैव अ टीम ऑफ यू, यू आर सिटिंग, यू आर माय टीम, हमें काम कंप्लीट करना है एंड उसके लिए कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए. तो मैं किसी दूसरे बंदे के पास गया, उससे जैसे मर्जी करके वो इंफॉर्मेशन निकलवा ली, जैसे इंफॉर्मेशन आई तुम्हारे दीदी ऐसे काम करो, दैट इज मेरी लायजनिंग पावर बहुत अच्छी है. So, ये है
तीन इंटरपर्सनल स्किल ऑफ मैनेजर के दूसरे बंदे से बात करने के तीन स्किल होने चाहिए, पहला वो फिगर एंड होना चाहिए, दूसरा ही शुड बी अ गुड लीडर, एंड तीसरा उसकी लाइसनिंग पावर बहुत अच्छी होनी चाहिए। अब आते हैं इंफॉर्मेशनल, उसके पास इंफॉर्मेशनल पावर क्या होनी चाहिए मैनेजर के पास, पहला है मॉनिटर। मॉनिटर मतलब कि वो जो भी उसके इंप्लॉइज है उसके अंदर जो बंदे हैं उनको ठीक से मॉनिटर कर सके, देख सके कि इंप्लॉय काम सही कर रहे हैं कि नहीं। अगर वो अपने इंप्लॉयज को मॉनिटर नहीं कर सकता तो काहे का मैनेजर वो। दूसरा डिसीमेंटर, डिसीमेंटर मींस के अगर उसके पास कुछ इंफॉर्मेशन है, जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हें मैंने काम दिया, ये काम कंप्लीट कर रहे हैं, और उस काम को कंप्लीट करने के लिए देयर इज स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट जो सिर्फ मुझे आके तुम्हें ही पता, और मैं तुम्हें बोल रहा हूँ काम करो, तो ऑब्वियसली तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, सो हो सकता है तुम वो काम ठीक से ना कर पाओ, एंड बाद में मैं सबको डांटू कि देखो अगर ऐसे करते तो काम कंप्लीट होगा, तो तुम क्या सोचोगे सर हमें ही बता देते। अपार्ट फ्रॉम ये देखने के कि हम गलत काम कर रहे हैं और हमारा टाइम वेस्ट हो, आप पहले ही हमें बताते कि काम ऐसे करते हैं वैसे करते थे, ये तरीका आपको और पता होगा, जैसे मैंने याद है गूगल में दिखाया था फोटो खींच के नहीं बताया था। जैसे देखो मैंने तुम्हें काम बोला, टास्क बोला है कि इस पूरी बुक को तुम्हारे को एक दिन में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फॉर्मेट में लिखना है। वर्ड फॉर्मेट क्या होता है, टाइपिंग फॉर्मेट, कि तुम कॉपी कर सको पेस्ट कर सको। कैसे करोगे, मैं तुम सबको बोल दिया एक दिन में काम कंप्लीट कर देंगे, और इसको बेस्ट तरीका क्या है इसका, या एक चीज जो मेरे को पता है वो तुम्हें नहीं पता वो बाद में बताऊंगा। सो तुम सारे तुम सब क्या करोगे, फटाफट से टाइपिंग स्टार्ट कर दो। अब बुक है, बुक के बाद और कोई तरीका तो है नहीं, तुम कंप्यूटर में डाल सकते हो इसको, स्कैन भी अगर करते हो तो वो एडिट तो हो नहीं पाएगा, वो तो फोटो ही बनेगी, तुम्हें टाइपिंग करनी पड़ेगी सारी की सारी। तो तुम सारे लड़के टाइपिंग कर रहे, शाम हुई कितना हुआ सर मेरे तो 50 पेज ही हो पाए, एक तेज था टाइपिंग में सर मेरे 200 पेज हो गए। मैंने कहा भाई बुक कंप्लीट करनी थी आज, फिर मैंने उनको एक ट्रिक बताई, वो ट्रिक क्या थी जैसे तुम्हें दिखा दो, यहाँ पे दिखा दो, जैसे लेट्स से ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है वैसे देखना अच्छे से लाइट आ रही है, जैसे ये बुक है मैं चीज दिखा दो। अब मेरे बिल्कुल ट्रिक पता नहीं, मेरे पास जो फोन था मैंने क्या किया, मैंने इसकी फोटो ली इस पेज की, अब इसमें जो भी टेक्स्ट है अभी देखना है तुम्हें, जाओ दिखा दो, ये सारा टेक्स्ट मेरा कॉपी हो जाएगा अभी देखना जैसे से। कॉपी टेक्स्ट व्हाट्सएप 12th नहीं तुम्हारा ACC है ना, ACC के F3 बेसिक कॉपी नहीं हो नहीं नहीं हो रहा, वो सिलेक्ट नहीं हो पा रहा है कॉपी टेक्स्ट, ये देखना। अब देखो ये जो सारा, अगर मैं तुम्हें टाइप करने को बोलता तो कितना टाइम लगता है एक पेज को टाइप करने में पूरा, 15-20 मिनट्स। अब देखो मैं तुम्हें व्हाट्सएप कर दिया, देखो आ गया व्हाट्सएप, ये सारा ऐसे जब हम एसीसीएफसी का फर्स्ट टाइम पेपर दे रहे थे तब मैंने आपसे रिपोर्टिंग इवन एडजस्टिंग में प्रोजेक्ट लगा था, उसमें भी ऐसी आई थी पूरी। तो मैं क्या करता हूं, अब देखो ये तुम्हारे पास सिंपल, तुम इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हो, ये पेज तुम्हारा है वैसे फोटो, लेकिन अब ये एडिटेबल टेक्स्ट होगा, तुम इसको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेस्ट कर दो, विद इन 10 सेकंड्स तुम्हारा एक पेज पूरा हो जाएगा। सो दैट मींस तुम सारी फोटोज दो, सारी फोटोज का ग्रुप बनाओ, सीधा सीधा कन्वर्ट कर दो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, कन्वर्ट किसमें करना, ये जैसे मेरे फोन में फीचर है, सो ये इस ऐप इस मतलब मेरे फोन के साथ ही है, तो इसमें कन्वर्ट कर दो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हो जाएगा। अब ऐसे एक्चुअली जैसे फोन है वैसे एक सॉफ्टवेयर भी है, हर कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर होता है, दैट इज PDF कन्वर्टर, तो PDF टू वर्ड कन्वर्टर है, उसे भी कन्वर्ट कर सकते हो। सो अगर ये चीज सबको पता होगी तो मेरे ख्याल से एक घंटे में सबने काम कर लिया होगा, लेकिन नहीं पता थी इसलिए बेचारे सारे साथ में पूरा टाइम लगा दिया, काम भी कंप्लीट नहीं हो। सो अगर ऐसा होता और मैं लास्ट में सबको बोल रहा हूँ कि देखो ऐसे करते तो काम हो जाता, तो तुम क्या बोलोगे सर पहले ही बता देते कम से कम काम तो कंप्लीट होता। सो दैट इज डिसीमेंटर,
कि कोई इंफॉर्मेशन अगर मेरे पास है मैं सबको बताऊं कि ऐसे काम करो ताकि तुम्हें भी नया तरीका मिले काम करने का और काम भी जल्दी। उसके बाद आता है स्पोक्सपर्सन। स्पोक्सपर्सन क्या होता है? मैनेजर ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन टू वेरियस ग्रुप्स बाय एक्टिंग एज पर्सनलेशन कैपेसिटी। बेसिकली क्या है स्पोक्सपर्सन? मींस तुम्हारी पूरी टीम के बिहाफ पे ये बंदा किसी से कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए। जैसे वो एग्जांपल दिया था ना ऊपर मैंने, फिगर हेड काइंड ऑफ वही चीज है, काइंड ऑफ लिंक विद फिगर हेड वही चीज है कि ही इज अ स्पोक्सपर्सन फॉर योर टीम। तुम्हें कुछ भी चाहिए, तुम्हारे तुम्हें कुछ भी चाहिए तुम किसी और को नहीं बोलोगे, मेरे पास आओ फिर मैं तुम्हें वो चीज ला के दूंगा, दैट इज स्पोक्सपर्सन। ठीक है। इसके बाद होता है डिसीजनल पावर। डिसीजनल पावर मैनेजर के पास क्या होनी चाहिए? पहला है एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर मींस कि उसको खुद ही होना चाहिए कि सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। वी शुड हैव द पावर कि सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। ओनर होता है एंटरप्रेन्योर इज ओनर। लेकिन जो भी मैनेजर बंदा होगा, अगर मैनेजर भी वही रट्टू तोता बंदा, ऊपर वालों ने काम दिया ये काम करना है, अपना दिमाग नहीं लगाना, तो दैट इज नॉट अ मैनेजर। मैनेजर के पास अपने भी स्किल्स होने चाहिए कि मेरे को ये टास्क दिया गया, मेरे को जैसे मर्जी करके काम करना है, डिफरेंट तरीकों से, अलग अलग टाइप से, दैट इज एंटरप्रेन्योर स्किल। क्या खुद काम कर रहे हो, अपने ऊपर बर्डन लेंगे। एक एम्प्लॉय और मैनेजर में फर्क क्या होता है? मैनेजर एम्प्लॉय क्या होता है? भैया काम दो मैं काम करूंगा। मैनेजर क्या होता है? अगर काम नहीं मिला ना सर काम दो मेरे को काम करना है, जैसे मर्जी करके काम करके दूंगा मैं। तो एंटरप्रेन्योर का मतलब बेसिकली क्या होता है कि एंटरप्रेन्योर कौन होता है? जो अपने फैसले खुद देते हैं। तो सेम वे मैनेजर भी अपने फैसले खुद दे सकते हैं, वो पावर उसमें होनी चाहिए। उसके बाद डिस्टर्बेंस हैंडलर, कि अगर दो बंदे लड़ रहे हैं टीम में तो वो उनकी लड़ाई सुलझा सके। ऐसा नहीं लड़ रहे तो सारे बैठ के मजे ले रहे, ही इज नॉट अ मैनेजर। सो ये सारी पावर्स मैनेजर के पास होनी चाहिए। प्लस दो और है छोटी सी, रिसोर्स एलोकेटर। अगर मैनेजर को सीनियर मैनेजमेंट ने रिसोर्सेज दिए तो ही शुड बी हैव द पावर कि सबको बांट सके किसको कितनी कितनी पावर देनी। ऐसा नहीं है सारी अपने दोस्त को पावर देगी और किसी को पावर देगी, सबको कितनी कितनी पावर देनी है वो उसको पता होना चाहिए। इसके बाद आता है नेगोशिएटर। नेगोशिएटर क्या होता है? मैंने एक को पावर दी और दूसरे बंदे को पावर कम दी, उसने बोला सर और थोड़ी पावर दे दो मैं कर लूंगा, जैसे मर्जी काम करूंगा, दैट मींस नेगोशिएटर के आई एम द पर्सन जो नेगोशिएट करके जैसे मर्जी काम करवा। उसको इंफॉर्मेशन जो भी आएगी ठीक से सॉर्ट करनी है और सॉर्ट करके कलेक्टिव डिसीजन लेना है। मॉनिटर कौन होता है? सर उसमें क्या है कि मैनेजर्स नीड टू बी एबल टू कलेक्ट एंड सॉर्ट इंफॉर्मेशन टू इनेबल, मतलब जब तक उसे सारी इंफॉर्मेशन जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो पता ही नहीं होगी, वो मॉनिटर में तो पता चलेगी तब जो डिसीजंस इफेक्टिव होगा। सर ये लीडर का वो लीडर और ये सर लाइजन, लाइजन तो हो नहीं सकता, लीडर भी नहीं होगा इंफॉर्मेशन फॉर यू। सर वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके बांट दे ना, उसे बी बाय डेफिनेशन क्या इन्होंने लिखा है बी और रीजन दिया बाय डेफिनेशन, डेफिनेशन इज देयर कह सकते हैं ना। लाइजनिंग इसलिए नहीं होता था, लाइजनिंग का मतलब क्या होता है कि दूसरे बंदों से काम निकलवा रहे, ये काम थोड़ी निकलवा रहे, ये तो ये बंदों से। हाँ इसमें तो ये कह रहे हैं लाइजनिंग इसमें है कि वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, कलेक्ट करके उस इंफॉर्मेशन से काम कर रहे हैं। सो दैट मींस ही इज मॉनिटरिंग द वर्क ऑफ एम्प्लॉइज एंड उसके अकॉर्डिंग वो डिसीजन ले रहे हैं कि हमें और क्या करना चाहिए। हाँ मैं सही कह रहा हूँ, गलत नहीं हूँ मैं, तो इन अ सस्पेंस के लिए तो कौन क्या कर सकते, तो रीजन बिकॉज यू शुड बी कॉन्फिडेंट इन योर आंसर। उसके बाद रिसोर्स एलोकेट क्यों नहीं होगा? रिसोर्स एलोकेट होता है कि ही हैव फंड्स जो आगे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, इसमें ना लिखा होगा कुछ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो आंसर शुड बी बी मॉनिटर। सर बस टाइम मतलब किसी और से बोल के लाइजनिंग, लाइजनिंग मतलब तुम्हारे बंदों से लिंक बहुत तगड़े हैं कि तुम्हारा काम इजी हो जाता है। जैसे मेरा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बहुत तगड़ा लिंक है कोई भी काम से, दैट इज लाइजनिंग। ठीक है चलो गाइस।